डीप आंसर्स, आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान। सर, आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ निमित्त, काइंडली एक्सप्लेन द सेम इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। वैसे तो एपिक चैनल पर भगवत गीता का प्रसारण हो ही रहा है, उसे आप सुन लें तो आपको निमित्त शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। निमित्त शब्द ही नहीं, प्रकृति के सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपने पूछा है तो मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य जीवन कर्म का नाम है, बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। अब कर्म मनुष्य दो कारणों से करता है, या कहूं कि कर्म मनुष्य दो कारणों से कर सकता है, एक स्वार्थ और एक बगैर स्वार्थ के। मनुष्य जब स्वार्थ से कर्म करता है तो वो कर्ता कहलाता है, और जब स्वार्थ के बिना किसी भी प्रकार के, स्वार्थ मतलब किसी भी प्रकार के, यदि मोक्ष पाने के लिए भी कर्म करता है तो स्वार्थ है, और भगवान को पाने के लिए कर्म करता है तो भी स्वार्थ है ना, समझ लेना, क्योंकि सत्य में एबीसीडी नहीं है। तो बिना स्वार्थ के यदि कोई मनुष्य कर्म करता है तो ऐसा कर्म वो परमात्मा के लिए करता है, और तो कोई कारण कर्म करने का मौजूद नहीं बचा। सो परमात्मा के लिए जो मनुष्य कर्म करता है उसे कहा जाता है निमित्त, कि इस कर्म का ये निमित्त हो गया, यानी परमात्मा चाहता था ये कर्म करवाना, वो आदमी ने अपने को उस कार्य के लिए परमात्मा को उपलब्ध करवा दिया। सो गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू युद्ध के मैदान में स्वार्थ के कारण आया था कि तुझे राज्य चाहिए, है ना, अपने देश के कारण आया था कि कौरवों से बदला लेना है, यह बात गलत थी। तू युद्ध से भागना भी स्वार्थ के कारण चाहता है कि युद्ध जितना असंभव लग रहा है, इसमें पाप मिलेगा, इससे पुण्य नहीं मिलेगा, इससे नरक मिलेगा, यानी कि तू अपने स्वार्थ के कारण ही युद्ध से भागना चाहता है। अर्जुन, स्वार्थ हर हाल में गलत है, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू इस युद्ध का निमित्त बन जा। तू यह युद्ध अपने किसी भी जाति कारणों को छोड़कर परमात्मा के लिए कर, वो पापियों का नाश चाहता है, तू पापियों का नाश करने हेतु निमित्त हो जा, तू निमित्त बनकर युद्ध कर तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। बस तो यही निमित्त का अर्थ होता है कि कार्य अपने लिए नहीं, सर्व के लिए, परमात्मा के लिए, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए यह निमित्त कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात संक्षिप्त में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फिर से। कृष्णा, हाउ डिड कृष्णा स्पेंड हिज चाइल्डहुड? व्हाट वाज कृष्णा राधाज लव ऑल अबाउट? हाउ मेनी टाइम्स डिड कृष्णा मैरी? व्हाट वाज द साइकोलॉजी ऑफ कृष्णा एज अ चाइल्ड? हाउ डिड अ काउहर्ड बॉय कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारका? व्हाट एग्जैक्टली इज यादवस्थली? Find all your answers in My Life in My Words, Krishna, by the best-selling author of I Am the Mind, Deep Trivedi. An interesting research-based story of how Krishna, a cowherd boy, became Jai Shri Krishna, the King of Dwarka. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading e-commerce sites. Hey, I am the mind, most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।